पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ राज तिवारी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ली। सिद्धार्थ कांग्रेस की टिकट पर रीवा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वे रीवा की देवथर सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां से रामाशंकर सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 22 उम्मीदवार, रीवा जिले से 3 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। त्योंथर से त्रिनेत्र शुक्ल, देवतालाब से रामाज्ञा सेधिया, गुड़ से अमरेश पटेल को टिकट मिला है। रीवा जिले में स्कूल प्राचार्य से 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी विवेक सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं की गैंग एक सीरीज के नंबरों का चयन करती थी, फिर जीरो इंटरेस्ट ब्याज का लालच देकर ग्राहकों को फंसाती थी। रीवा में मजदूर को चाकू मारने की बात पर 2.5 घंटे तक तनाव के हालात रहे। बुधवार सुबह 10 बजे सिविल थाना इलाके में आस्था मेडिकल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड से मजदूर की झड़प हुई। अफवाह फैली कि मजदूर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अफवाह पर 500 से ज्यादा मजदूर ढेकहा चौराहे पर जमा हो गए। उन्होंने मेडिकल स्टोर के मालिक की कार जला दी। रीवा जिले में पनवार के अपराधी से पुलिस त्रस्त हो गई। काफी प्रयास के बाद भी जब आरोपी नहीं मिला तो रीवा एसपी ने पीएचक्यू को पत्र लिखा है। फरार आरोपी श्री सिंह बघेई के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से पूर्व विधायक अभय मिश्रा 69 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अभय मिश्रा फिर कांग्रेस में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार की शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर इस्तीफा पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने की बात कही है। रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देश पर अलग अलग निगरानी दल बनाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी वाहन चेकिंग समेत अन्य कार्यों पर लगाई गई है। चाकघाट पुलिस एमपीयूपी बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से भारी मात्रा में प्रचार सामग्री बरामद हुई, जिसमें राष्ट्रवादी भारत पार्टी का चुनाव चिन्ह फुटवाल और सिरमौर विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर अविनाश शुक्ल का लेख है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के चक्रतीर्थ स्मशान में तंत्र साधना की जा रही है। नवरात्र की पहली रात से शुरू हुई तांत्रिक क्रियाएं पूरे 9 दिन तक चलेगी। चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर लगने वाले 5 दिवसीय दीपदान मेला में इस बार चुनावी साये में होगा। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है और चित्रकूट में यह धार्मिक मेला 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आवश्यक ड्यूटी में लापरवाही बरतना सतना जिले के 10 अधिकारियों कर्मचारियों को महंगा पड़ा है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी से नदारद कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस थमा दिया है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।